द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव 19 नवंबर को होना सुनिश्चित हुआ है, जिसको लेकर कचेरी परिसर में प्रत्याशियों ने अपने अपने होल्डिंग बैनर व पंपलेट्स लगा दिए हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने पर प्रत्याशियों द्वारा अपना नामांकन कराया जा रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ पूरी कचेरी परिसर में भ्रमण कर अपने अधिवक्ता साथियों का सहयोग मांग रहे हैं। द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की दौड़ में कुछ नए चेहरे व पुराने चेहरे भी शामिल हुए हैं। उसी क्रम में अध्यक्ष पद के लिए अशोक कुमार सक्सेना द्वारा अपने समर्थकों के साथ मिलकर नामांकन कराया, जिसके बाद कचहरी परिसर में भ्रमण करके अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की। बैठक में चुनाव के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें चौधरी अनिल पाल सिंह, पूर्व महासचिव विद्यावत शर्मा एडवोकेट, नवीन कुमार गुप्ता एडवोकेट, राहत जॉन एडवोकेट, दीपक विष्णु एडवोकेट, अमार सिंह एडवोकेट आदि अधिवक्तागण मौजूद थे। लेकिन इस बार देखना यह है कि द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव में कौन बाजी मारता है। अशोक कुमार सक्सेना हमारे एक सीनियर कौंसिल हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कचहरी मुरादाबाद के। हम उनका सब मिलकर जो है इलेक्शन प्रोग्राम चल रहा है, लड़ रहे हैं। आने वाले समय में उन्होंने जो हमें बताया है कि बात को करने के लिए कि जो जो उनके प्रोग्राम्स हैं उनसे बहुत प्रभावित हैं उनके व्यक्तित्व से, और चाहते हैं कि वो आने वाले समय में बार के अध्यक्ष बने और उनके आने से कचहरी मुरादाबाद को बहुत लाभ हो। मैंने एक बात देखी है, बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो मैं करना चाहूँगा, और वकीलों से ये भी कहना चाहूँगा कि इन सब समस्याओं को देखते हुए कई वोट करें जो इस सब कार्य को करने में सक्षम है। मैंने एक मिनट बोले देखना आज दिनांक 2/11/2020 को प्रातः 11:15 बजे हमारे सीनियर माननीय श्री अशोक कुमार सक्सेना जी, जो कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भारी भीड़ के साथ जाकर अधिवक्ताओं की अपना नॉमिनेशन करा दिया है। और हमारा इलेक्शन लड़ने का और लड़ाने का मात्र उद्देश्य यह है कि अधिवक्ता हित में जो भी कुछ करना पड़ेगा उसे हम करेंगे, और उसके लिए जहाँ तक भी जाना पड़े, जिस भी तरह से लड़ना पड़े वो लड़ेगा। रही बात इलेक्शन के रुख की और उसकी जो आप पूछ रहे हैं, तो ये माहौल तो आप सामने देख रहे हैं। सारे जूनियर अधिवक्ता अभी 2.5 बनने वाला है, अभी तक भी सब यहीं पे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो भारी समर्थन है अधिवक्ताओं का और ईश्वर की कृपा रही और साथियों का सहयोग, तो हम अवश्य भी देंगे। कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं शुभकामनाएं तो सभी अधिवक्ताओं को देंगे।